स्वागत है आप सभी लोगों का दी ठाकुर फैमिली व्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। तो आज है हम लोग ऐसे घर पे और समय हो रहे हैं दिन के 11:30। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज हमारे घर में हो क्या रहा है। ये आज बहुत लेट उठा है, पता नहीं क्यों बहुत बदतमीज हो गया इसीलिए। और मैं तो मम्मी जब उठती है मैं मम्मी के साथ साथ उठ जाती हूँ ताकि मम्मी की हेल्प कर पाऊँ, है ना मम्मी? कोई बात नहीं है, मैं बस कोशिश कर दूँगी मम्मी की हेल्प कर पाऊँ, लेकिन मम्मी मेरे को कुछ बोलती नहीं है करने के लिए क्योंकि मैं सब काम गुड़ गोबर कर देती हूँ। और आज मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है, रोज ही मम्मी कुछ स्पेशल बना रही होती है लेकिन आज जो बना रही है वो है आलू परोर और कुम्हरौरी का सब्जी। और आपको सामग्री दिखाते हैं, इसको बोलते हैं परवल, हमारे गांव में परोर बोलते हैं। तो आलू परोर, टमाटर, धनिया पत्ता और ये है चटनी के लिए। अब मम्मी बनाना शुरू करेगी खाना। और ये होता है कुम्हरौरी। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई, घर का सबसे छोटा सदस्य, जब ये नंगू पंगू गया। और आपको दिखाते कि मैं कर क्या रही थी। पहले तो इसको धूप में डालते हैं, है ना? बहुत प्रचंड गर्मी होने लगी है मम्मी। आपको पता मैंने आपके लिए एक और चीज ऑर्डर किया है गर्मी से बचने के लिए, किचन के लिए। पिछली बार खरीदा था वो फेल हो गया था, तो इस बार अच्छा होगा। तो ये किताब रश्मि रथी आप सभी लोग जानते हैं, मैं कल से ही पढ़ना शुरू की हूँ और बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होके पढ़ रही हूँ। और जो मुझे कुछ चीजें पढ़नी होती है वो सब छोड़ छाड़ के मैं रश्मि रथी पढ़ रही थी। जब मैं रिसाइट करने की कोशिश कर रही थी तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर जाकर मैं पक्का ही पक्का अटक रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि बस कुछ भी करके 10-15 मिनट के अंदर वो चीज मैं ठीक कर लूँ और आप सभी लोगों को सुनाऊं किसी अगले वीडियो में। तो बस इतनी बकवास काफी है मेरी, आगे का व्लॉग ऋषभ कंटिन्यू करेगा। याद हो गया, फाइनली याद हो गया, अब मैं सुना सकती हूँ। नहीं तो सुन मेरे से, अभी कैमरे पे नहीं, कैमरे में बाद में सुनाऊंगी। चैलेंज है, चल सुना ना तू, बंद करके सुना ना एक बार। सुन ना यार, तू ये पढ़। हाँ ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, चलो 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 ठीक है। 1, 2, 3, गो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नो। अरे यार, तो अभी हो गया है हमारा खाना खाने का समय। तो दीदी पापा के लिए खाना परोसते हुए 93.5 FM पे आपका स्वागत है। हनी, मेरे टी-शर्ट्स कैसे लग रहे हैं जो मैं पिछले 2 दिन से पहन रही हूँ? मेरा वाला तो टी-शर्ट है। तेरा वाला नहीं है, मैंने नए मंगाए 4 टी-शर्ट, पता है कितने में? नहीं बताऊंगी। इसने अपने पॉकेट मनी से टी-शर्ट मंगा लिए, बहुत सस्ता, बहुत कम्फर्टेबल, रंग बिरंग के टी-शर्ट, बताए रोज रोज अलग अलग कलर के पहन सकते। तो कल जब दीदी फेसबुक पे लाइव थी तो किसी ने पूछा था दीदी से कि आपकी पॉकेट मनी कितनी है एक महीने की। तो बचपन से कभी हमारा एक फिक्स अमाउंट पापा ने सेट नहीं किया कि मैं कभी पॉकेट मनी मिला मिला ही नहीं हमें, कभी पॉकेट मनी है ना कि ये लो जेब खर्ची, गंदा लगता है ना ऐसे। हमारे लिए जब कुछ खाने का मन है तो आपको बोल दो पापा खाने का मन है, पापा ही लेके आ जाते हैं। पापा का भी मन हुआ सेम टाइम वो खाने का मिल जाएगा, नहीं तो बोले अरे लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, सब चलता है। अब जैसे बर्गर खराब चीज है, पापा का भी बर्गर खाने का मन कर रहा है, अगर उस टाइम पे हमने सेम ऐसे पंच मार दिया बर्गर खाओगे, अरे हाँ मंगाना, अरे पापा का पेट भरा होगा तब बोले बर्गर खाने के लिए, तब सब पेट खराब हो जाएगा। हाँ, वही। वैसे कोल्ड ड्रिंक अगर पीने का मन हो लेकिन पापा का मन ना हो तब सर्दी हो जाएगा, लेकिन जब पापा का मन होता है ला रहे कोल्ड ड्रिंक। तो आज घर में बना है धनिया पत्ता का चटनी और इसमें है आलू परोर कुम्हरौरी। ओरे भाई, ये कौन सा मिक्स वेज बना दिया मम्मी ने, बिहार का स्पेशल। आपने अपना कॉलर अभी ठीक क्यों किया? मैं व्लॉग में दिखाने वाले थे कि मेरे पापा का नॉर्मली कॉलर कैसे रहता है, मतलब पापा जैसा मैंने कोई ऐसा आदमी देखा ही नहीं जो इतना चिल मोड में रहते हो हमेशा। इधर मम्मी पापा के ऊपर तमसा रही हो, कितना भी पापा को सुना रही हो लेकिन पापा ऐसे ही मुंह बना करके सुनते रहते हैं। तो अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं और दिल्ली में इतना ज्यादा गर्मी है, मतलब आप सोच नहीं सकते, जो दिल्ली में नहीं रहता है ना वो सोच भी नहीं सकता कि कितना गर्मी है यहाँ पे। बाप रे बाप, मम्मी पापा सोए हुए हैं, दीदी भी सोई हुई थी लेकिन अभी उठी है क्योंकि उसको कुछ काम याद आ गया, कुछ उसको वीडियोस बनाने थे तो उसका कुछ याद करना था उसको, तो अभी उठ के और व्लॉग मेरा एडिट हो चुका है तो वही देख रहे बैठ के बाहर। भाई साहब मन कर रहा है कि बस सो जाए, भाई एसी चलाओ सो जाओ खत्म बात, अब उठना ही नहीं है, इतना ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। ये बच्चा लोग कैसे खेल रहा भाई इतना धूप में, भाई ये देखो कितना धूप है, ये देखो कुरकुरे खाए जा रहे, साथ पढ़ा जा रहा है, मतलब ये देखिए दीदी की सफाई, पूरा शीशा गंदा कर दिया है, फिर बोलते हैं कि मम्मी की मेहनत, मम्मी का हेल्प कर रही हूँ मैं, वाह पागल आदमी तू, इसे बढ़िया छोड़ ही देती ना उसको, साफ ही दिख रहा था। मैं बता नहीं सकती कि मैं मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए झपके लेने के लिए सोई थी 4 बजे और 4:20 पे बिल्कुल एकदम से मेरे को गर्मी लगी और मैंने नींद टूट गया
और नींद टूट गया तो मतलब फिर से वैसा ही नींदोड़ा सा फीलिंग हो रहा है, लेजी सा। और पता नहीं कौन सा मौसम है ये जो दोपहर के समय, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोई लेकिन अभी आकर के मुझे दोपहर के समय बहुत नींद आ रही है। तो बस नींद को हटाने के लिए थोड़ी पढ़ाई पढ़ुई कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। और मैंने जो कल के व्लॉग में बताया था कि हम लोग आज बहुत एक्साइटिंग कुछ करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, तो वो प्लान कैंसिल हो गया है। तो आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं और कुछ एक्साइटिंग नहीं कर रहे हैं। सैली को बस बहाना चाहिए घूमने का। नहीं, वो हमसे ये भी पूछा है। तो आपने बहुत दिन पहले ही व्लॉग में देखा होगा कि हमने ब्रेड बटर खाया था, उसके बाद हमने खाया नहीं कभी। बटर का ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी सनी को भेजा हमने नीचे ब्रेड लाने के लिए, दही लाने के लिए। कुछ तो बनाते जो हम पहले बनाया करते थे जब इस घर में शिफ्ट हुए थे, ब्रेड दही वाला। कुछ तो देखेंगे क्या क्या बनता है। और पापा गए अभी नीचे फल फ्रूट सब लाने के लिए। तो आ गया ब्रेड फाइनली, और इतने दिनों के बाद हमारा टोस्टर निकलेगा अपने गर्भगृह से। तो पहले चाय बना लेते हैं, क्योंकि ब्रेड टोस्ट करना सिर्फ 5 मिनट का काम है। चाय चढ़ाते हैं और बढ़िया से इलायची वाला चाय बनाते हैं। तो आज मेरा रूम कुछ नया नया दिखेगा, पिलो कवर चेंज करना है। बाप रे, इस समय जो बच्चे लोग चीख रहे होते हैं ना नीचे अपार्टमेंट में, मैं चिल्लाती ना ऐसे, मम्मी मेरे को और 4-5 थप्पड़ मार के और चिल्लवाती मेरे से। चलो भाई, 10 घंटे से की काम कर रही है। आज मैं बहुत सारा हेल्प कर रही हूं अभी का। तो गाइस, चाय तैयार हो चुका है, चलिए ब्रेड को लगाते हैं हम टोस्टिंग में। चाय, ये रही मम्मी, चाय छान देना मम्मी। चलो तुम खाना शुरू करो। ओ सो पहले आप और मम्मी खाइए। ओ ने कितना अच्छा टोस्ट करके दिया मम्मी, देख रहे हो मेरा भाई मेरे से ज्यादा होशियार है। तो पापा जो फ्रूट लाने गए थे, तो इस सीजन का पहला आम घर में आ चुका है और अब बनेगा इससे शेक, मैंगो शेक। पापा ने संतरा, केला, आम, बाकी अभी मम्मी बना रही किचन में मेथी के पराठे, बहुत स्वादिष्ट। गाइस, मैं कैसी लग रही है ये टी-शर्ट पहन के? हे गर्मी का आतंक देखिए कि मैं इतने से पानी में इतना सारा बर्फ लेके पी रहा हूँ, और पानी भी ठंडा ही था, बहुत गर्मी बहुत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी ने इतना टेस्टी मेथी का पराठा बनाया है, इतना मस्त खुशबू आ रहा है पूरे घर में, मेथी का खुशबू आ रहा है। तो दीदी का यहाँ पे फेसबुक स्ट्रीमिंग सेटअप तैयार है जो कि मैंने हेल्प किया है। यस, तो ये अभी अपने फेसबुक पे लाइव जाएगी और यहाँ पे हम खाना खाएंगे। मम्मी आप अकेले बैठे हैं, मेरे से पूछा भी नहीं आपने। मुझे अपने खाने से पहले, लेकिन तू आया नहीं। तो दीदी का लाइव स्ट्रीम हो चुका है, ऐसे पूछते कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे सेटअप पे। यार बहुत मजा आया यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बातें की पता है, बहुत बोला मैंने। थैंक यू। गाइस ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है। तो खाना सब खा के हम आ चुके हैं, और आप सभी के लिए एक सूचना है कि ये व्लॉग अभी समाप्त होने वाला है, तो कृपया रेडी हो जाइए व्लॉग का एंडिंग देखने के लिए। सनी एंडिंग करेगा आज के व्लॉग का। सनी को थोड़ा कॉल आ गया है नेचर की तरफ से, तो गया है थोड़ा भाग के, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए सनी आता है तो व्लॉग का एंडिंग करते हैं। ए सनी, जोक याद कर लेना बैठे बैठे। अभी थोड़ी देर गेम खेला हमने, तो इधर बैठ के रियाज कर रहे थे तब से, और अभी बज रहे हैं रात के 1। मैं भी रूम से निकल के गया, मम्मी से पूछा मम्मी आइसक्रीम खाओगे, मम्मी ने हाँ, फिर आके देखा तो ये किसी ने खा लिया था पूरा। बताओ मम्मी का तो मन कर गया खाने का, अब क्या करें। आप जब बाथरूम में बैठे थे तो कुछ याद आया आपको? नहीं, मैंने सुना था कि बाथरूम में बैठ के बड़ा अच्छा याद आता है। नहीं, वो तेरे को याद आता है, मेरे को नहीं। नहीं आ रहा भाई याद, मैंने एक जोक सुनाया, बोल रहा है कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं सुना रहा। तो भी सनी ने मेरे को एक जोक सुनाया था, मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो डालने लायक था नहीं, इसलिए कट कर दिया मैंने भाई, बहुत बेकार था। कोई बात नहीं, चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, और सुबह रिकॉर्डिंग है, जल्दी उठना पड़ेगा 8 बजे, और 9 बजे पहुंच के वहाँ पे साफ सफाई भी करना है, तो मेरे को कहना पड़ेगा। तो जल्दी सो जाते हैं, अभी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए हैं तो, और कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ये तो आपका ड्यूटी है इतना, तो ठीक है, इतना मैं बोलूंगा नहीं हर ब्लॉग में, आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स पर। बाय बाय।